हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ एनी। आज मैं आपके लिए फिर एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे फेस्टिवल्स चालू हो गए हैं और एक एक करके सारे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले आई हमारी राखी। राखी पे बहनें अपने भाई के लिए कितनी महंगी महंगी राखियाँ खरीदती है और फिर भाई भी उनकी बहनों के लिए महंगे से महंगे गिफ्ट खरीदते हैं। मगर राखी का असली महत्व तो यह है कि कृष्ण जी की उंगली कट गई थी और द्रौपदी ने अपनी रेशम की साड़ी का एक छोटा सा कपड़ा फाड़ के उनकी उंगली पे बांध दिया था और कृष्ण जी ने उनको के बदले में ये वचन दिया था कि उनकी रक्षा करेंगे और उन्होंने उनकी रक्षा करी भी। मगर आजकल तो सिर्फ त्योहार पैसों के लिए ही रह गए हैं। मतलब आजकल जो त्योहार सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए रह गए हैं। उसके बाद आई हमारी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी पे हम गणेश जी के लिए कितने बड़े बड़े पांडाल बनाते हैं, उनके इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लेके आते हैं कि जिससे हमारा पांडाल, हमारी मूर्ति सबसे अच्छी रहे। मगर और फिर हम वो मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं नदी में, जिससे नदी का पानी खराब होता है। फिर उसके बाद हम उसके बाद वो मूर्तियों का भी हाल कितना बुरा हो जाता है। हम फिर उनको नहीं देखते, हम उसके बारे में नहीं सोचते। उसके बाद हम भगवान का दूध से अभिषेक करते और बहुत सारा दूध खराब कर देते। उसके बाद में हम वो दूध किसी गरीब बच्चों को दे जिनको कुछ दो वक्त की रोटियां भी नहीं मिलती। कभी हम वो दूध उनको दें तो मेरे हिसाब से भगवान ज़्यादा खुश होंगे। इसके बाद इस बार ज़्यादा लोगों ने अपने घर पे ही मिट्टी की गणेश जी बनाए। क्या इससे उनकी श्रद्धा कम हो गई? कभी हम भगवान के सामने एक दीपक ही जला देंगे, उससे भी भगवान उतना ही प्रसन्न होंगे जितना हम उनके लिए इतने बड़े बड़े पांडाल बनाते हैं। उसके बाद हम भगवान के सामने इतना लाउड स्पीकर बजाते हैं, उनसे उनको भी तो कितनी तकलीफ होती होगी, कितना सारा नॉइस पोल्यूशन करते हैं। आप ही सोचिए, कभी आप लाउड स्पीकर में रहेंगे तो आपका सर आपके कान में कितना दर्द होएगा। उसके बाद आता है हमारा दीपावली। दीपावली का असली अर्थ तो ये है कि हम दीपक से घर को सजाएं। मगर आजकल तो हम उसके नाम पे लाइटें लगाते हैं, फटाके खरीदते, महंगे से महंगे पटाखे खरीदते और उनको जला देते हैं। इसका असली अर्थ तो यही है कि हम हमारे पैसों को अपने हाथों से ही जला रहे हैं। हर बार इन पटाखों से कोई ना कोई फैक्ट्री जलती है, कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है हमेशा। मगर फिर भी हम हमेशा बड़े बड़े फटाके जलाते हैं, उसके बाद हम लाइटें लगाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कितना बड़ा बिल आता है। कभी उसके बदले हम ये सारे पैसे किसी गरीब बच्चे को, किसी गरीब लोगों को दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। हम भगवान के सामने 56 भोग रखते हैं, मगर वो भोग कब तक भगवान तक पहुंचता है, हम वो भोग खुद ही खा लेते हैं। कभी हम वो चीज़ें किसी गरीब इंसान को दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद हम भगवान के लिए क्या ना जाने क्या क्या करते हैं। हम भगवान को ये चढ़ाते, फूल चढ़ाते, ना जाने कितने पैसे उड़ाते हैं उस पर। कभी हम उसके बदले ये सारी चीज़ें किसी गरीब इंसान को, उनकी कभी किसी शादी करवाते, उनको खाना देते तो वो ज़्यादा अच्छा है। कभी हम हमारे सारे त्यौहार का लिस्ट बनाए, टोटल अमाउंट बनाए तो उससे इतना उसका जो भी अमाउंट आता है, कभी हम वो चीज़ों से किसी की शादी करवा दे गरीबों में, किसी को किसी के घर की सहायता करवा दे, किसी को खाना देते, तो मेरे हिसाब से भगवान उसमें ज़्यादा खुश होंगे जितना हम उनके उसमें ज़्यादा खुश होंगे जितना हम उनके लिए बड़े बड़े पांडाल बनाते उसमें नहीं। धन्यवाद। कभी आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए।